लुधियाना में केजरीवाल बोले, केंद्र का आप डटकर मुकाबला कर रही है, हमें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना में रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात प्रदेश की जनता को दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने उद्यमियों से सीधे बातचीत की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार रही। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, मगर दिल्ली और पंजाब में काम कर रही आम आदमी पार्टी की सरकारें केंद्र का डटकर मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति का मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वे केंद्र से कैसे लड़ रहे हैं ये वही जानते हैं, इसके लिए तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, पंजाब में भी भाजपा राज्यपाल और केंद्र सरकार सूबे की भगवंत मान सरकार के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। हालात ये हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया गया। कहा यह गया कि इसमें तो भगवंत मान की फोटो लगी है, जबकि झांकी पर शहीद भगत सिंह की फोटो लगी थी। पंजाब की झांकी को रोकना सूबे के नागरिकों का अपमान है। पंजाब के हितों के लिए सीएम भगवंत मान अपने दम पर सभी ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं। अगर लोकसभा की सभी 13 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में लोग डाल देंगे तो सभी सांसद संसद में पंजाब की आवाज बनेंगे, और फिर कोई भी ताकत 26 जनवरी को पंजाब की झांकी को रोक नहीं पाएगी। पंजाब के सभी मसलों का पूरी ताकत के साथ समाधान कराएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब का 8,000 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक रखा है। अगर ये रकम पंजाब को मिल जाए तो यहाँ के लोगों के लिए कई अस्पताल, स्कूल और औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया। तो हमारी नीयत साफ है, एक एक पैसा आज पंजाब के खजाने का एक एक पैसा आप लोगों के भले के ऊपर खर्च हो रहा है, आप लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। इसीलिए इतने मोहल्ला क्लिनिक, इतनी सड़कें, इतना सब कुछ बन रहा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने खूब प्यार देके 117 में से 92 सीट दी थी हम लोगों को, आज इसी वजह से हमारी सरकार बनी हुई है। नहीं तो रोज ये बीजेपी वाले कभी किसी एमएलए कभी किसी एमएलए को, अगर आपने हमें 60 सीट दी होती, 65 सीट दी होती, भाई साहब अभी तक ये सरकार गिर चुकी होती, तोड़ चुके होते ये लोग, गिरा चुके होते, जैसे हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है, और इतने राज्यों में देख ली। ये तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, 92 सीट्स दी थी, अब ये आने वाले चुनाव के अंदर एक 13 की 13 सीट दे दीजिए। इसलिए नहीं कि 13 सीट मुझे इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे अपने बच्चे कहीं सेट करने हैं या भगवंत मान को अपना परिवार सेट करना है, हम ठीक ठाक हैं। 13 सीट इसलिए चाहिए कि हमें ताकत चाहिए, पॉलिटिकल ताकत मिलेगी तो हम उनसे लड़ पाएंगे। आज अकेला भगवंत मान बीजेपी वालों से लड़ रहा है, गवर्नर से लड़ रहा है, केंद्र सरकार से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है ये। अगर इसके 13 सीट दोगे, ये 13 हाथ हैं इसके, 13 हाथ बन जाएंगे, वो दिल्ली में बैठ के आपके लिए लड़ेंगे। आज 8,000 करोड़ रुपया पंजाब का रोक रखा है केंद्र सरकार ने, 8,000 करोड़ रुपया आ जाए, आप सोचो कितने और काम हो सकते हैं। अगर ये 13 इसके पास अकेले विकास कितना टाइम है, ये चंडीगढ़ में भी बैठता है, पंजाब में भी घूमता है, दिल्ली भी जाएगा, कितना टाइम है? अगर आप 13 सीट दे दोगे, वो 13 के 13 दिल्ली बैठे रहेंगे, उनकी नाक में दम कर देंगे, छाती पे बैठ के सारा पैसा लेके आएंगे आप। तो जैसे आपने पहले आशीर्वाद दिया था, वैसे अब आपका आशीर्वाद चाहिए, 13 की 13 सीट आप दे दीजिए, ताकि पंजाब की जो गति चल रही है विकास की, ये और बहुत तेजी से चल सके। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।